साहब, मैं वो डॉक्टर साहब ने ज़कात की बात की, तो अपने रिश्तेदारों में से जैसे बहन भाई हैं, किस किस को बंदा ज़कात दे सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना, हमारे यहाँ मुरम्मा इन्होंने ये बात तजवीज़ की है कि आदमी के जो उसूल और फरू है ना, उसका उसकी जड़ है जिनकी नस्ल से वो पैदा हुआ, माँ है, बाप है, दादा दादी है, नाना नानी वगैरह, ऊपर को जितने और नीचे शाख, बेटा बेटी और उनकी औलादें, इनको ये कहते नहीं दे सकता। साइड वाले जो है ना, भाई बहन दूसरे, चाचा मामू, उन सबको दे सकता, मगर ये बात भी लोगों की अपनी बनाई गई। कहीं कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं कि आदमी अपने क्यों नहीं दे सकता बड़ों को, ये अगर वो गरीब है, बाप अलग है, उसकी ज़रूरियात है, उस पर कर्जा, उस बाप का कर्जा उतार दे। इसलिए मौलाना वहीदुज्जमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, यार दलील भी खुद दो ना। शौकानी फरमाते हैं नारायण अवतार में, किसी के पास दलील है कि वो अपने बड़ों को नहीं दे सकते, छोटे वो बताए ना, हकदार होना चाहिए, खाम खा नहीं। बाकी जिनका नफका इसके जिम्मे है कि बूढ़ा बाप है, खर्चा देना, वो तो नहीं कि खर्चे की जगह आप जकात दे, वो तो ये अदा करें। अगर बाकी कोई मुसीबतें बाप पर आई, कर्जे हैं उस पर, या और कर सकते, तो सारे रिश्तेदारों को डॉक्टर साहब देख सकते, भाई बहनों सबको, सिर्फ देखे कि हकदार, ये ना कि घर में रखने की कोशिश करे, बाकी उनका हक हो तो फिर दोहरा सवाब। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते थे, दूसरों पर ज़कात सिर्फ ज़कात है, ये ज़कात भी है और सिला रहनी भी है, रिश्तेदारों का ख्याल रखा, दोहरा अजर मिले। डॉक्टर साहब, आपकी ज़कात बिल्कुल अदा होगी। जब आप दे रहे थे ना, उस वक्त आपने ये इत्मीनान किया था कि ये मुस्तहिक है, तो बिल्कुल इस ख्याल से आपने हकदार समझ दे दी, आपकी ज़कात अदा हो गई, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। अब वो नहीं भी हकदार, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक बहुत प्यारी हिकायत बयान की पिछली उम्मतों की, कि एक शख्स ने इरादा किया कि मैं किसी मुस्तहिक की मदद करूँगा। अब वो गया तो उसने एक आदमी की मदद कर दी। अब सुबह ही ये चर्चा हो गया, मशहूर हो गया लोगों में, यार चोर एक जो था उसका दाव लग गया, एक चोर की इमदाद हो गई। दूसरे दिन उसने फिर चाह कि मैं किसी डिजर्विंग की मदद करूं, दूसरे दिन की तो ये लोगों में चर्चा हो गया कि यार कल चोर को मिल गए पैसे, आज तो एक जानी को मिल गया, औरत जानी थी उसको मिल गया। तीसरे दिन गरीब ने कहा कि लो यार मेरे पैसे किसी को दे देना, उसके बेटे को दे दिए लोगों ने। तो उस ज़माने का पैगंबर जो था उसको अल्लाह ने वही की कि तू परेशान ना हो, तेरी नीयत नेक थी, चोर को मिल गया तो फिर क्या हुआ, शायद इसी से तौबा कर रहे चोरी से, गरीबी की वजह से चोरी करता बाद आ जाए। जानिया को मिल जाए शायद वो इसीलिए इसमत फरोशी कर रही थी, गरीब थी बेचारी, छोड़ दे। और तेरे बेटे को मिल गया फिर भी कोई बात नहीं, वो तेरे घर में अगर लौटा तूने तो मेरे नाम पर दे दिए थे। इसलिए अगर डिजर्विंग समझ कर उस वक्त डॉक्टर साहब दिया ना, तो बेफिक्र है बाद में मुस्तक निकलता, यानी लेने वाले को चाहिए कि वो सोचे कि मेरा हक बनता नहीं, देने वाले को कोई नहीं चाहिए, वो सिर्फ इत्मीनान कर रहे कि मेरी समझ की हद तक ही हकदार है, बस ठीक है। मामा ना, ये तो डॉक्टर साहब कभी भी नहीं कहना चाहिए, अपने इलम में होना चाहिए और अपने खाते में आप लिख लें, इंतकाल देना बताना नहीं चाहिए, इसलिए तो उसकी इज्जत नफ्स बर्बाद होगी, क्या आपने मदद की उस बेचारे की, जलील कर दिया उसको, नहीं बताना चाहिए।